हम लोग सुनाएंगे किस वाला स्टोरी। यस, हम दोनों की नजरें मिली, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक इतनी सुंदर लग रही है यार, एक किसी कर देता तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है और ये बहुत ज्यादा फनी है। मैं इसको इशारे पे इशारा किया जा रहा हूँ, और ये हूँ मैं और प्रोमी। Hey guys, good morning and welcome back to our channel Rainbow Sugar Adi Promi Vlogs. So guys, good morning. आज एक नया दिन, और आज हम लोग आप लोग से शेयर करने वाले हैं कौन सी वाली स्टोरी? तुम ही बता दो। नहीं बताओ। नहीं तुम बताओ। अरे बताओ ना। अरे तुम बताओ ना। क्या है ना कि कमेंट्स में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कोई किसी ने बोला नाइट स्टोरी, किसी ने बोला बंक स्टोरी, और किसी ने किसी किसी ऐसे है कि मुझे मैसेज कर दिया ये करना ये करना ये करना। तो किसकी स्टोरी भी बहुत लोगों ने, और हमने जो एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है इंस्टाग्राम में, उसमें भी ज्वाइन करो, उसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को। मैंने पोल डाला था, और सच बताओ तो सबसे ज्यादा किस स्टोरी पे आया है। बट कितना इंटरेस्टेड है आप लोग ये। बट हमने ऐसा सोचा, और कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, स्टोरी तीनों ही सुनना है, आपकी मर्जी आप कैसे सुनाओ, ठीक है। और किसी किसी ने बोला है कि एक ही वीडियो में बता दो, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तीन अलग अलग वीडियो बनेंगे, और उसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। और गाइज, तो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज तुम कौन सा उधर उन लोगों को बोलेंगे ये तो पहले बता दो। बता देता हूँ, ठीक है। मैं शुरू से बताता हूँ, बात ये है कि किस स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सारे गवाहों और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि आज आप लोगों को हम लोग सुनाएंगे किस वाला स्टोरी। यस। तो खुश तो बहुत हो गए आप लोग आज, ठीक है। चलो गाइस, अभी शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हम दोनों को नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये प्रोमी द बंगाली गर्ल, और ये आदि। तो गाइस, आज हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत सफाई करेंगे आज। हाँ, एक्चुअली क्या है, इस महीने में सफाई करना जरूरी है, क्योंकि रूम मतलब घर जितना मतलब डेली करते हैं, लेकिन मतलब आज करना जरूरी है। कोना कोना सफाई करेंगे, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार। हाँ। क्या करे, मतलब नहीं तो लक्ष्मी बुरा मान जाती है घर का। तो चलो अभी शुरू करते हैं वीडियो, और देखते रहो, स्टोरी के लिए वेट करो। हाँ, स्टोरी के लिए थोड़ा सा वेट करो। बिल्कुल, तो चलो इसको देखो, ये रेडी हो चुका है झूल झड़ने के लिए। झूल बोलता है ना। हाँ। तो तुम थोड़ा मुंह दिखाओ इधर। कफन बांध लिया है गाइस, आज साफ कर। तो गाइस अभी हालात दिखा दो। हाँ, ये सब इसने किया है, जो भी हालात खराब है इस रूम का, सब इसके वजह से है। मतलब? इसके वजह से है सब कुछ, ठीक है। कोको के कोको के वजह से देखो, ये सब गंदा करके रखा है कोको, और ये सब गंदा करके रखता है यादि। मतलब क्या बताए, तो आज सब तो कुछ करती नहीं हो। नहीं, मैं तो कुछ करती नहीं, मेरा जगह इधर है बस, मैं पड़ा रहती हूँ, और क्या करूँ। हाँ, काम काज तो है नहीं, खुद मन मान लिया कि तुम पड़ी रहती हो, काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और मेरा टेडी को देखो, वो टेडी थोड़ा निकालो, तो निकाल के क्या करना है यार। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो क्या हालात बना के रखे है, ठीक है, यादि ने। और ये जो अंशु है ना, ये भी ये अपना जो भी खिलौना है इधर लाके फेंक देता है। ये देखो, ये आदि ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे, कितना देखो साइज में। ठीक है, रख दो। तो गाइस चलो अभी ये दिखाते हैं कि साफ होने के बाद कैसा लगता है, ये आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। A few moments later. देखो रूम बिल्कुल साफ है ना प्रोमी? Yes. इधर कोको सो रहा है। अभी कितना बज रहा है पता है? अभी बज रहा है 4:30। तो हम लोग को कितना टाइम लग गया यार, मतलब सिर्फ रूम नहीं, हम लोग ने बाकी सब कुछ साफ किया, बाहर भी साफ किया, बाथरूम भी, इधर ये सब करते करते सब कुछ। गाइस देखो, शाम को 4:30 ये प्रोमी ने ड्रॉ किया था, मुझे दिया था गिफ्ट। और कुछ ये मत देखो,
ये भी मत देखो, इधर देखो। ये भी क्यों नहीं देखा, इधर इधर देखाओ। अच्छा लेके आओ, लेके। अच्छा ये देखो, अच्छा ये हूँ मैं और ये हूँ मैं और प्रोमी। नाइस यार। एनीवेज क्या यार, रुको। तो गाइस हम लोग खाना वाना खा के आ चुके हैं इधर, और आज कुछ भी ब्लॉग में नहीं दिखा पाए, इतना देर हो गया है, क्या बहुत सारा काम था यार, बहुत सारा। हाँ, बहुत सारा। तो अभी सोच रहे हम लोग सो जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेना जरूरी है यार, और फिर उठ के आप लोगों को दिखाएंगे, मतलब सुनाएंगे वो स्टोरी जो है। हाँ। कुछ कैसे दिखाएंगे, थोड़ी देर और वेट कर लो यार। हाँ, इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। हाँ तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा सो जाते हैं, ठीक है, रेस्ट ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। ओके बाय। हे गाइस, तो देखो ये लोग अभी भी सो रहा है, रुको। हाय कोको, कोको ओए उठ जाओ। ओ छोना बेबी था, तो खिदे पाए नहीं, इसको अभी तक भूख नहीं लगा है। ओए उठो, कितना बज रहा है पता है, 7:30। कोको तुम खाबे तो, आ, तो इसका अभी खाना खिला। क्या हो गया तुमको, तुम्हें ऐसी सब पंखा सब बंद कर, क्योंकि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और करंट ऑफ हो गया था इसीलिए एसी बंद है। कुछ नहीं पता है इसको। तो कोको चलो तुम थोड़ा खाना खा लो, रुको। देखो गाइस, गाइस अभी खुल रहा है फर्स्ट एड बॉक्स, क्यों पता है, देखो काम ऐसा करती है ना, क्या बताओ यार, क्या हुआ, हाँ जलछे जलछे, रुको हाथ दो। ये कैसे हो गया, मुझे कैसे पता होगा, थोड़ी देर के लिए बस कुछ भी काम करना बोलो बस कर लेती है अपना काम। डोंट टॉक टू मी जितना बार बोलेगा कि मुझे बात मुझसे बात नहीं करना है, डोंट टॉक टू मी, ओके कोको डोंट टॉक टू मी, ओके उतना बार उसको। कोको वीडियो करना है अभी, अच्छा टॉक टू मी बेटा, आई विल टॉक टू यू, ओके आई लव यू। बस हो गया तुम्हारा, तुम दोनों का। हम दोनों थोड़ा दुच्चू दुच्चू कर रहे थे, है ना बेबी, कोको बेबी माय बॉय, कम ऑन। हुआ तुम दोनों का, हाँ पापा और बेटे का लड़ाई हुआ था थोड़ा, तो अभी सब ठीक है ना कोको, कोको एवरीथिंग्स फाइन, यस एवरीथिंग्स फाइन, हो गया कोको, कोका बोल, गो 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 बेटा, नाउ गो नाउ, इट्स टाइम फॉर द स्टोरी गाइस, यस। मुझे बहुत सारा मारा है ऐसे तुम बोल रहे हो कि एक्चुअली ना आज का जो स्टोरी है ना, मैं 110% गारंटी देके बोल सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों पता है, मतलब देखो मैं पहले ही बोल देती हूँ, हाँ तुम ही बताना सब कुछ, ठीक है, तुम अगर तुमको कुछ शर्म नहीं है तो तुम बता देना। शर्म वैसा कुछ हुआ थोड़ी, मतलब क्या हो रहा है अभी पता चल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि जैसे हम लोग का रिलेशन हुआ था ना, तो मैडम की तरफ से एक शर्त आया था मेरी तरफ, याद है तुमको, मैडम का शर्त यही था कि 1 साल के बाद ही
किस करेंगे उसने नहीं, मतलब हाँ मुझे ऐसा लगा था कि मतलब नया नया रिलेशनशिप हुआ है तो अभी क्या ये सब, तो मैंने उसको बोला था देखो एक साल होने दो फिर हम लोग ये सब सोचेंगे ठीक है। हाँ तो ये मैडम का शर्ट बहुत छोटी थी ना, रिलेशन एक साल हो जाएगा तभी तुम मुझे किस कर पाओगे या फिर मैं तुम्हें किस करूंगी, ऐसा शर्त था ठीक है। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा मतलब उसका ना एक मुझे अभी तक याद है एक कुर्ती वो पहनती थी ब्लैक एंड गोल्डन कलर की ये सब कुछ याद रखता है जो कि वो अभी उसकी बहन पहनती है, ये बड़ा ट्रेजेडिक है हम लोग। अच्छा मैं इधर थोड़ा दिखा दूंगी आप लोगों को ठीक है। क्या दिखा देगी, कुछ नहीं, अरे दिखाएंगे। अच्छा ओके तो अभी उसकी बहन पहनती है और क्या हुआ कि जब भी वो बहन वो पहनती है ना पापरी, तो मुझे ना पूरा सीन याद आ गया। अगर मेरा बहन देखेगा ना ये सोचेगा कि अच्छा तुम लोग इसीलिए मुझे देख के हंसते हो क्या हुआ। तो उसी वक्त ना हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और हंसना स्टार्ट करते थे और पापी बोलते क्या हो गया तुम दोनों को, मैं ठीक नहीं दिख रही हूँ ऐसा पूछती रहती। एनीवेज गाइस शुरू करते हैं शुरू से। तो क्या हुआ कि आज तो स्माइल लग रहा है एकदम बरकरार रहेगा तो उस दिन डांस क्लास खत्म हो गया, मतलब खत्म होने ही वाला था, मतलब ऑलमोस्ट डांस क्लास खत्म हो रहा था, सब लोग जा रहे थे घर एक एक करके। तो इसने जो पहन के आई थी ना, तो उस दिन वो बहुत सुंदर लग रही थी यार, और पता नहीं आई वॉज गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड टू हर कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ कितनी सुंदर लग रही है यार, ये किससे कर देता तो कैसे बोल रहा है नहीं वैसा नहीं है कि एक किसी का, तो मतलब वैसा नहीं, बस ऐसे ही जैसे होता है यार प्यार में, थोड़ा बहुत आ जाते हैं तो थोड़ा फील होता है वो चीजें अट्रैक्शन। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अकेले में तब क्या हुआ कि फर्स्ट जब अटेम्प्ट किया मैंने इसके साथ थोड़ा अकेला स्पेंड करूँ, ऑलरेडी क्लास में बहुत सारे लोग थे और मैं इसको लेके थोड़ा साइड में गया तो बोला मतलब सुनो ना थोड़ा बात करना है तुमसे, सुनो ना ये सब अभी बता रहे इतने साल हो चुका है बोलो। तो फिर क्या हुआ कि अभी तो कोई मतलब है नहीं, जब मन करता है तब भी क्या कुछ भी बोल अरे मतलब इडियट बोलो बहुत अच्छी लग रही है वैसे तुम्हारी, अरे बोलो इतना क्यों शोर मचती हो, ठीक है बोलो। एनीवेज तो फिर क्या हुआ यार, स्टोरी पे कंटिन्यू रखते हुए ना याद आ जाती चीजें और बड़ा प्यार आ जाता है यार। एनीवेज तो कितनी बार मैंने एनीवेज बोला है बट फिर भी शुरू ही नहीं कर पा रहा मैं इसकी तरफ ही। अरे हाँ इधर देखो, इधर भी मुझे दिख रहा है, देखो बोलो। 9 साल हो गया हमको, 9 साल अभी भी ऐसे कर रही हो जैसे कि 1 साल हुआ है, मैं कर रहा हूँ मैं भी थोड़ा। अरे बोलो बोलो बोलो। तो मैं इसको बुलाया तो ये पर ये कैजुअल सी एकदम बोली हाँ क्या बात है क्या बात है, अरे सुनो ना थोड़ा बात है, इंपॉर्टेंट बात है करना है, थोड़ा साइड में चलो ना। साइड में हाँ ठीक है चलो। फिर हमारे क्लास में ना एक तो डोर है, उसको खोलने के बाद नीचे जा सकते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड वाला एक सर रूम है तो उधर जा सकते। तो उस टाइम पे ना क्या हुआ कि मैंने इसको बुलाया उस रूम में, तो ये चली आई। फिर थोड़ी देर बात करते करते मैंने उसको बोला कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, तो ये बहुत शर्माई भाग गई मैंने बोला ले ये क्या हो गया, मतलब ये भाग क्यों गई। फिर नहीं मैं बताती हूँ, तो वो तो डांस क्लास थी ना, तो मैं क्या करूँ इसीलिए ऊपर आ गए। तो फिर मैंने सोचा नीचे बैठ के यार मतलब इसका दिमाग में चल रहा है ये सब, ये तो भाग गई। मतलब मैंने ना सोचा था एक हक के बारे में, बस मैं एक हक करूंगा उसको, मैंने इतना अपने दिमाग में रखा था कि एक हक तो जरूर करूंगा आज इतना। वो फर्स्ट टाइम था मतलब बिल्कुल नया नया हाँ एकदम
बस वैसे हाथ वाथ पकड़ते हैं ना, ऐसा था वैसा वाला सीन था। फिर क्या हुआ कि दूसरी बार तब ऑलमोस्ट सब लोग खाली है और तीन चार लोग बाकी है घर जाना, ठीक है। और मैं भी चली जाती थी तब सात आठ बजे चली जाती थी घर। और मैं सोच रहा हूँ यार अभी तो ये चली भी जाएगी, और वो जो दो तीन लोग थे ना, यार देख रहे हो तो कोई माइंड मत करो, ठीक है। तो वो दो तीन लोग है ना जो वो लोग भी साथ में रहते थे उतने दिन उतना टाइम तक। हम लोग क्या है क्लास के बाद थोड़ा गपशप करते थे, बातें बातें करते थे, और फिर थोड़ा बहुत चिल करते थे, फिर सब लोग घर चले जाते थे। और उतना जो टाइम था ना वो तीन चार जन लोग भी रहते थे। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन लोग को भगाओ तो भगाओ कैसे और ये लोग भागेंगे भी नहीं, ठीक है। और एक जन थी जो मेरे साथ ही मेरे घर तक जाते थे। हाँ, तो इसीलिए मतलब सोचो यार मेरा सिचुएशन एकदम समझो बात को, मतलब क्या करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने ना क्या किया कि मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला उन लोगों को कि एक काम करना, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं बहुत भूख लगा है मेरे को, कुछ खाने के लिए लाके दे। सब नहीं पता था। तब मैंने इससे पूछा तुम कुछ खाओगी, तो इसने बोला नहीं नहीं कुछ भी चलेगा, ऐसा बहुत सा कुछ बोली थी। तो मैंने फिर वो दो तीन लोग जो थे एक्स्ट्रा उन लोग को मैंने बोला जाओ ना तुम यार थोड़ा कुछ खाने के लिए लेके आओ ना। तब तो कोई नहीं जानता था ना। हाँ, तब कोई नहीं जानता था हमारे रिलेशन के बारे में। और तब एक ने बोला कि अरे मैं अकेला नहीं जाऊंगा यार, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। हाँ तो सही है ना, तो इसको साथ में लेके जा, किसी एक को साथ में लेके जा। और ऐसा है कि मैं टीचर हूँ, मेरा बात कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। तो उसी का फायदा होता है यार। मतलब हरामी बोलते हैं ना ये है। फिर क्या हुआ कि तो एक ने बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तो उसके साथ एक और ऐड हो गया, और उसकी जो दोस्त है वो भी बोली कि चल तो फिर मैं भी चलती हूँ। तो ऑलमोस्ट खाली सिर्फ एक जन, और एक जन है ये है और मैं हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे यार, इस तो जा ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ी देर बैठ, हम दोनों आते हैं, थोड़ा काम है करके आते हैं, ठीक है। इतना कुछ हो रहा है, मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। फिर ना मैं इसको लेके ना अपने ऊपर वाले थर्ड फ्लोर पे आया। थर्ड फ्लोर पे आने के बाद मैंने इसको बस बोला कि अरे मुझे तुमसे और भी बात करनी है यार, तुम भाग क्यों जा रही हो, और मुझे मौका भी नहीं मिल रहा है तुमसे बात करने का। और फिर क्या हुआ कि ये थोड़ा शर्मा रही थी। फिर मैंने इसको बोला कि आज थोड़ी देर के लिए रुक जाना प्लीज़, सब जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वैसे भी होता नहीं है, हफ्ते में सिर्फ दो दिन क्लास रहता है और क्लास करने के बाद सब लोग रहते हैं, वो नहीं बात है। तो मैंने उस दिन इसको रिक्वेस्ट किया सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम जब मैंने बोला तो इसने बोला ठीक है अभी चलो नीचे, वो अकेली बैठी है, चलो। बोला अरे यार फिर से, ठीक है चलो। फिर मैं फिर से चला आया, ठीक है। और ये चलो बैठे हैं, फिर जो मैंने बोला सारा पैसा बर्बाद, बेकार हो गया पूरा, मतलब इन लोग को, मतलब इसके चक्कर में तुम खाना खिलाया सबको। हाँ, सब लोग आ भी गए खाना वाना लेके, ठीक है, और बात भी नहीं हो पाया ठीक से, क्योंकि नीचे इसकी फ्रेंड नीचे अकेली बैठी थी, तो ये जल्दी में आ गई, और मेरा तो घर ही है, ठीक है, अब मुझे आना ही पड़ा। फिर आने के बाद ना मैं बैठी थी, फिर खाना वाना खाए हम लोग, ठीक है। फिर मैं इसको इशारे पे इशारा किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोले कैसे, मगर मतलब इसका रिएक्शन ऐसा था कि कैसे जाऊँ रह जाऊँ। और एक बात है, जो मेरे साथ जाते वो तो रुक ही जाएगा ना। हाँ, इसीलिए वो तो रुक ही जाएगी, वो बोलेगी ठीक है तुम्हारे साथ ही जाएंगे। मैंने बोला यार आज तो पूरा गड़बड़ होने वाला है। फिर मैंने एक आइडिया निकाला, तो मैंने ना खुले में एकदम सबके सामने ऑर्डर किया, प्रोमी को बोला नहीं, ऑर्डर किया प्रोमी तुम ना आज थोड़ी देर और रुक जाना, सब लोग चले जाएंगे उसके बाद थोड़ी देर रुक जाना, थोड़ा काम है मुझे, ठीक है, प्रॉप्स वॉप्स के बारे में ना बात करनी है वगैरह वगैरह, ऐसा मैंने झूठ बोल दिया। फिर प्रोमी ने बोला हाँ ठीक है, और फिर प्रोमी ने बोला उसकी फ्रेंड को कि एक काम करो तुम आज चले जाओ, तो फिर मेरे को लेट होगा जाने में, ऐसे बोला।
फिर इसने ऐसे बोल दिया तो उसने भी बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा। फिर सब लोग खाना वाना खा के सब एक एक करके चले गए। ठीक है फिर मैंने इसको बोला चलो छत पे चलते मतलब डांस क्लास छोड़ के फिर हम लोग आए थे छत पे। एंड गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं इसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। ठीक है ये बस ऐसा बोल सकते हो गया। हाँ और फिर क्या हुआ कि मैंने इसको बोला चलो छत पे चलते हैं, पर अच्छा वेदर है और उतना बड़ा अच्छा अच्छा ही था। तो गए हम लोग छत पे और छत पे बैठे थे, मैं ये बैठी थी इसके गोद में मैं लेटा था, बड़ा मजा आ रहा था यार। फिर मैं इसके साथ इधर उधर की बातें कर रहा था, बहुत सारी बातें शेयर कर रहा था। फर्स्ट फर्स्ट जैसे होता है यार गाइज आप लोग को पता ही होगा ये पहली पहली जब स्टार्टिंग होती है रिलेशनशिप बहुत सारा बात रहते हैं, बहुत कुछ बोलने को होता है एक दूसरे को, बहुत सारी बातें। सुबह के 6 बज जाते थे हम लोग बात करते करते फोन पे। मैं कैसे बात करती हूँ ये पहले बताओ। अरे बाप रे भाई वो तो मेरा टैलेंट है, मैं समझता था मैं ऐसे मतलब क्या बोलती थी कुछ समझ में नहीं आता था यार, फिर भी मैं समझता था। 6 बजे तक कंटिन्यू ऐसे बात होती थी। तो फिर छत पे गए और फिर जो हुआ मतलब हाय वो जो लास्ट वाली वीडियो में आप लोग ने सुना था ना वो डायलॉग, चांदनी रात में चांदनी की रोशनी में मैंने अपनी चांदनी को देखा था। हाँ, हम दोनों को ना हाँ, पता नहीं क्यों कनेक्टेड हो जा रहा है कुछ, सब कुछ स्टोरीज ऐसी है। जब मैं असम गया था उस टाइम भी एक चांद रिलेटेड स्टोरी है, वो भी कभी बताएंगे आप लोग को, बहुत रोमांटिक सा है। फिर क्या हुआ कि उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ कि छत पे बैठे थे और दोनों मिलके चांद देख रहे थे और फिर मैंने जब इसकी तरफ देखा इसने मेरी तरफ देखा तो हम दोनों की नजरें मिली और बस दुर्घटना घटी। ये कैसे बोलते हो तुम दुर्घटना। अरे बगर गाइस ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, इनका मैडम का इतना परमिशन था नहीं कि मैं लिप्स पे किस करूं, मैडम का परमिशन बस गाल सब पे कुछ था। बंद हो। मैंने गाल पे किस किया था फर्स्ट टाइम और बस इतना ही, मतलब उतना ही बहुत था हमारे मेरे लिए। ठीक है ना उस टाइम तो हाँ। कि मैंने और मेरा तो सोच लो फर्स्ट टाइम नहीं, फिर क्या हुआ ये बोलो। फिर ये हाँ, फिर ना मेरे को उसके बाद का जो सीन है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। किस मैंने किस कर दिया फिर ये ऐसे तुरंत वैसे से करंट शॉक लग गया, ये उठ के बैठ गई मैं भी बैठ गया। मैंने बोला तो ये बोलती चलो घर मैं घर जाती हूँ। मैंने बोला अरे क्या हो गया। फिर इसने कुछ बोला नहीं, कुछ खास इतना बात हुआ नहीं। फिर ये नीचे आई, मैंने इसको नीचे तक छोड़ने गई, ये साइकिल लेके अपने घर चली गई। मैं ना पूरे टाइम सोच रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलती कर दिया यार। इसने तो बोला था, सर्च दिया था कि किस विस नहीं करना है, मैंने किस करके गलती। देखो गाइस ऐसा कुछ नहीं था ठीक है, ये जैसे बता रुको, रुको रुको मेरी फीलिंग्स पहले मैं शेयर कर लूँ फिर तुम बताना। और फिर जब ये घर चलने पूरा टाइम मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है कि अरे यार ये लगता है ये गुस्सा हो गया, बस हो गया खत्म क्लास फिनिश बस बस। फिर क्या हुआ कि मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया, आई एम सॉरी यार मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर देना वगैरह वगैरह, इतना लंबा पैराग्राफ लिख के मैंने इसको भेज दिया कि मैंने ऐसे इंटेंशनली नहीं किया था, ऐसे हो गया सॉरी, मगर वो इंटेंशनली था। नहीं मेरा किस करने का इरादा नहीं था, मेरा हक करने का इरादा था ठीक है, मगर हक तो हुआ नहीं, किस हो गया मतलब पूरा उल्टा ही हो गया ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इसने कुछ रिप्लाई नहीं किया मुझे। नहीं मैं बताती हूँ ठीक है, अगर मेरे जैसे कोई होगा इधर देख रहे हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि उस टाइम क्या होता है। उस टाइम ऐसे शर्म मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हिंदी में, शर्मा गई थी। हाँ तो इसीलिए आँख में आँख नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए मैं भाग गई उधर से, और कुछ भी रीजन नहीं था इतना ज्यादा। मुझे लगा इसको बुरा लग गया होगा और ये इसको जो रिप्लाई नहीं किया ना मुझे, मतलब मैंने सोच रहा था तब कि क्या अभी क्या करना है मुझे, अभी क्या होगा, ये सब चलता है ना दिमाग में तब बहुत ज्यादा छोटा था। बस इतना तो बोल ही सकती थी कि मुझे बुरा नहीं लगा तो मैं कैसे कहूंगा कि मुझे अच्छा लगा, ऐसे बोलते कोई बोलो तो, ऐसे कोई नहीं बोलता ठीक है। अभी बोल दो तुम्हें अच्छा लगा था कि नहीं। अच्छा ही लगा था।
तो यही था यार, यही था स्टोरी। बहुत लंबा चला गया है, बहुत ज्यादा लंबा चला गया है, आई एम रियली सॉरी। मतलब हम लोगों का जो जो स्टोरी है ना, मतलब इतना कुछ हुआ है यार, इतना फनी चीजें हुआ है। मतलब रोमांटिक हो जाने के बाद फनी हो गया, या फिर फनी होने के बाद रोमांटिक हो गया, ऐसे ही होता मतलब है। मतलब फनी हमारे ब्रैकेट में डिफॉल्ट सेटिंग्स में है। मेरे मतलब मैं हूं ना, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है और ये बहुत ज्यादा फनी है। रोमांटिक फनी मिल जाता है तो क्या होता है, रोमानी रोमानी फनी रोमानी जो भी है। तो गाइस कैसा लगा ये जरूर बताना। नहीं फन फनाटिक फनाटिक ठीक है, छोड़ो छोड़ो बाबा छोड़ो, बहुत लंबा हो गया। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे करते हैं। और जो जो स्टोरी है आप लोग बोलो कौन सा सुनना चाहोगे। तो हम लोग अभी तो नेक्स्ट नाइट आउट वाला आएगा गाइस, ठीक है नाइट आउट मेरे से सहमत होना यार, तो कमेंट कर दो बिल्कुल। ठीक है तो गाइस आज का ब्लॉग या फिर वीडियो कुछ भी ब्लॉग यार ब्लॉग ऑफ कोर्स ब्लॉग तो यहीं पे होता है खत्म। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ, टिल देन सब्सक्राइब करते रहो और थोड़ा शेयर भी कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।